वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग दिस इज साहिल। तो पीछे के आपने दो वीडियोस, दो ब्लॉग्स देखे ही होंगे। तो आज हम लोग हैं अजमेर में। तो कल हम मतलब आज सुबह हम 6 बजे करीब यहाँ पहुँचे हैं। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, फ्रेश फ्रेश हो चुके हैं, नहावा लिए हैं। अब जाएंगे नीचे तो दरगाह पे, पहले जाएंगे दरगाह शरीफ पे और वहाँ पर सलाम करेंगे। फिर वहाँ पर देखते हैं क्या पे क्या होता है। पहले सबसे पहले नीचे जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद में चलते हैं दरगाह शरीफ पे। और चलिए आप रहिए साथ में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब माई चैनल ट्रैवलिंग विद साहिल। इस पर ऐसी ट्रैवलिंग वीडियोज़ आती रहती है। और चलिए शुरू करते हैं फिर। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं अजमेर शरीफ। और बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा भीड़ है। ये यहाँ की एंट्री, मुहर्रम की वजह से भीड़ चल रही है बहुत ज़्यादा। ये अंदर फूल वूल की दुकान। ये कुछ तस्वीर की दुकान है यहाँ पे, यहाँ पे सारी फूल की दुकान। एक वो गेट था, एक ये बड़ा गेट है जिससे एंट्री होती है। अभी आजकल तो कोविड के चक्कर में रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हैं, इस वजह से पुलिस वाले भी बहुत हैं यहाँ पे। यहाँ पे दो डेग है, एक ये बड़ी डेग और ये है छोटी डेग। इसमें खाना बनता है जो बाद में तस्मीन होता है, बढ़ता है बाद में। ये है बड़ी डेग, ये बड़ी डेग है। इसके अंदर में बहुत सारे खाना या कुछ, चलिए ऊपर देखते हैं क्या है इसमें। चलो, ये थी बड़ी डेग और वहाँ है छोटी डेग, वो भी कुछ ऐसे ही है। और यहाँ है वज़ू खाना जहाँ वज़ू करते हैं। और ये है मस्जिद यहाँ की जहाँ नमाज उठने होती है हर बार। बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़, देख ही रहे कितने ज़्यादा भीड़ है। चलिए अंदर चलते हैं अब मेन दरगाह। यहाँ पे भी कुछ फूल की दुकानें हैं। ये यहाँ से एंट्री है दरगाह की। आगे रखो। ये एक और मस्जिद। ये एक मस्जिद यहाँ और है, यहाँ कुछ दुकान है। सारी यहाँ पर फूल की दुकानें हैं।
अंदर जाने के लिए एक ये मेन एंट्री है। यहाँ पे बहुत भीड़ है। इसकी दरगाह की सेकेंड एंट्री है और एक रास्ता यहाँ से जाता है जहाँ पे कम भीड़ होती है, बट आज तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। एक ये एंट्री है, ये सारा चांदी का बना है मेरे हिसाब से। चलेंगे अंदर। ये एक एग्ज़िट है जहाँ से हमने अभी एग्ज़िट लिया। वहाँ पर बहुत भीड़ है अंदर, तो काफ़ी देर 5 मिनट अंदर रुके हैं, उसके बाद निकले हैं दुआ हुआ करके। ये मस्जिद की एंट्री है यहाँ से, और एक ये एग्ज़िट है दरगाह, और ये पीछे मस्जिद का एरिया है, पूरा मस्जिद का एरिया। ये वहाँ एंट्री के लिए लाइन लगाई हुई है, एंट्री के लिए अंदर। ये दरगाह के अंदर में मस्जिद है, माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है। ये झूमर देखिए, ये रात के टाइम तो बहुत अच्छा लगता है जलते हुए। अभी सब खाली पड़ा है। हमारी लिटिल ब्लॉगर किधर जा रहे हो समनायरा? कहाँ जा रहे हो समायरा? समायरा बस अब यहाँ से बस ये होने के बाद अब जाएंगे होटल। बहुत थक गए हैं, बहुत भीड़ थी अंदर, आप लोगों ने देखा ही होगा अभी पीछे कितनी भीड़ थी। अब यहाँ मस्जिद में आके बैठे हैं थोड़ी देर। अब यहाँ से थोड़ी देर 5-7 मिनट के बाद चले जाएंगे होटल, क्योंकि आराम करेंगे, क्योंकि पूरी रात की ड्राइव है। थोड़ी देर ही सोया हूँ, अब जाके सोऊंगा, फिर उसके बाद में यहाँ से जाएंगे तारागढ़ पहाड़। तस्वीर ले ले। कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो गई है, सोचा था रात को आके एक बार ज़्यारत करके जाऊँगा, तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो चुकी है। बंद करने का वो हो गया इस टाइम पे, इसीलिए इस तब इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। वैसे ये रात के टाइम पे ऐसा दिखता है, अंदर तो जाने नहीं दे रहे हैं अभी, बट रात के टाइम में माशाल्लाह बहुत अच्छा है। सारी दुकानें बंद कराई जा रही है इस टाइम पर। ये लास्ट सीन है, अंदर जाने तो दे नहीं रहे क्योंकि ये अब भी बंद हो गया। फजर के टाइम पे खुलेगा, जब अजान होगा, जब नमाज के लिए। चलिए अब अगली बार आएंगे तो इंशाल्लाह रात के टाइम पे अंदर का ज़रूर आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरे चैनल पर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसके बाद आगे वीडियो आएगी आपको पुष्कर की, वो ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। अगर लाइक पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।